आगामी 2019 के चुनाव की तैयारी को लेकर कृषि भवन सभागार में जिलाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के साथ कई अधिकारीगण भी मौजूद रहे। डेटाबेस को अपडेट किया जाएगा और जो सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक किया था उसको जोड़ा गया तो सप्लीमेंट्री तैयार किया जाएगा बाय 3 जनवरी 2019 और फाइनल पब्लिकेशन होगा कि ये हमारा टाइमलाइन है इसका प्रचार प्रसार। इसके लिए आप सभी वीडियो लोग जो है अपने स्तर से भी राजनीतिक पार्टियों को बुला करके आप उनको ये सहयोग प्राप्त करेंगे, उनके साथ बैठक आयोजित करेंगे, उनसे आप अनुरोध करेंगे कि वो BLA बूथ लेवल एजेंट जनरली होता है कि BLA की ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में आप उनको कह सकते हैं कि यदि किसी तरह की लापरवाही बाद में सामने आती है तो आप उनको बोलिए कि आपने BLA की नियुक्ति क्यों नहीं, आपको तो हमने पहले ही बोला है कि आप BLA की नियुक्ति कर लीजिए। ऐसे विकास BJP जैसे मैंने देखा था कि पिछले बार से BJP ने कराया था जब बैठक हुई थी और अन्य किसी ने नहीं कराया था, तो आप लोग सभी को बताएंगे कि BLA की नियुक्ति अवश्य करें बूथ लेवल एजेंट साथ कर रहा हूं, जिन चीजों की जानकारी दे रहा हूं वही बैठक आप BLO के साथ और BLA के साथ भी करके उनको जानकारी देंगे। BLO के साथ बैठक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यह हो गया कि अब तक 1794 बूथ थे, अब 2162 बूथ हो गए, तो 2000 आप अच्छे लोगों को, अच्छे टीचर्स को जो थोड़ा सक्षम हो उनको नियुक्ति कीजिए। यदि आप बेकार BLO की नियुक्ति करेंगे तो आपका ब्लॉक में भी परफॉर्मेंस खराब रहेगा। तो आप लोगों ने लिस्ट भेजा है तो लिस्ट के अनुसार वोटर्स लिस्ट, इसके बाद प्रत्येक